اكو سايد شتا وني اخ سايد اخ سايد تاكو اكو سي دوا ميغا ميزي كم اند جو गाइज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अदनान शोरा व्लॉग्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो अभी लिटरली रात के 4:30 है तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज कल हमें शौक लगा था। 11:30 पता चला कि हमें कल रोजा रहना है। एज एक्सपेक्टेड था कि फ्राइडे से रहना है, बट हमें कल पता चला कि थर्सडे से ही रहना है अब। तो अभी मैं सहरी के टाइम कर रहा हूँ व्लॉग स्टार्ट, बिकॉज कल मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा व्लॉग बनाते हैं रमजान के पहले दिन का, हाउ आई स्पेंट माई फर्स्ट डे ऑफ रमजान। तो लेट्स मेक इट। तो अभी है सहरी का टाइम, फिलहाल मैं चलता हूँ, मैं करता हूँ अच्छे से अंदर सहरी, फिर मैं मिलता हूँ उसके बाद आपको, ठीक है? तो आई थिंक सुबह ही मिलते हैं उसके बाद। अभी फिलहाल मैं करता हूँ सहरी अच्छे से, उसके बाद नमाज पढ़ने जाना है, उसके बाद सोएंगे अच्छे से, तो सुबह मिलेंगे डायरेक्टली आपको, फिर पूरा दिन अच्छे से करेंगे एंजॉय, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं डायरेक्टली आपको सुबह। आप في قلوبهم بهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم لمجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا Guys, good morning. तो अभी बजे सुबह के 10:30, तो कुछ ही देर पहले मैं उठा हूँ। तो आज है पहला रोजा। आई होप आप सबका रोजा अच्छा जा रहा होगा। तो एक दो दिन एडजस्ट करने में लग ही जाता है, बिकॉज खाना वाना हो जाता है, बिकॉज दिन में हम खाना खाते हैं आमतौर पर। तो अभी है 23rd of March, आज का रोजा पहला रोजा, तो पिछले साल के मुकाबले छोटा दिन होने वाला है। तो देखते हैं कैसा जाता है हमारा पहला रोजा। तो फिलहाल प्लान है मैं बाल काटने जा रहा हूँ, ठीक है? बाल बहुत ज्यादा आ गए, तो पहले मैं बालों की सेटिंग करूंगा। तो चलते हैं बालों की सेटिंग करने, फिर देखते हैं आगे दिन कैसा रहता है, तो वो भी आप ब्लॉग में देखते रहोगे, ठीक है? तो मैं जा रहा था बाल काटने, बट मम्मा ने बोला पहले जो है खाने की चीजें लाओ, आई थिंक दाल वाल लानी और दूध दूध लाना है, तो वो पहले जाते हैं लाने, उसके बाद मैं जाता हूँ बाल काटने, ठीक है? तो चलते हैं पहले। तो अभी मैं निकला हूँ दूध लेने। गाइस तो चलते हैं बाल काटने, आते हैं बाल काट के, ठीक है? तो ये परसों से देख ही लिया होगा, काम चल रहा था। ये जो फाइनल लुक है यहाँ पर अभी कुछ ऐसा। गाइस तो पहुंच गए हम। One eternity later. ये है मेरा कुछ फाइनल लुक। तो सलून से मैं डायरेक्टली आ गया था घर, तो मैंने सोचा पहले मैं नहा लूंगा अच्छे से, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि पहला वाला लुक बेटर था कि ये वाला लुक बेटर है, ठीक है? तो अभी आया टाइम 1:15, तो हो गया टाइम नमाज का फिलहाल। तो मैं मिलता हूँ आपको कुछ देर बाद, आप ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए। A few moments later. जी गाइस, तो ये वाला फ्रेम शूट हो रहा है 3-4 घंटे बाद। तो अभी फिलहाल हो गया टाइम इफ्तारी का, 6:30 होने को आए हैं। तो अभी फिलहाल थी अभी तैयारी, तो अभी पूरी तैयारी नहीं की है, बस ये थोड़ा सा खजूर वजूर रखे है। तो अभी बाकी चीजें भी आने वाली है, तो वो भी रखेंगे यहाँ पर। तो गाइस ऐसे है कुछ हमारी पहली इफ्तारी की तैयारी। तो यहाँ पर मैं कुछ प्लेट्स पे रख रहा हूँ फ्रूट्स, तो पहले मैं फ्रूट्स अच्छे से काटूंगा, उसके बाद मैं इन प्लेट्स पे रखूंगा फ्रूट्स, फिर करेंगे हम अच्छे से इफ्तारी। तो आप ठीक है, आप व्लॉग में देखिए कैसे मैं करता हूँ ये सारा सेट। Mm-hmm.
गाइज तो ये है कुछ फाइनल लुक इफ्तारी जो मैंने बनाई है फिलहाल के लिए। तो अभी हम ये खाते अच्छे से करते हैं इफ्तारी। तो इफ्तारी हो गई है, तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ जिम। अभी बजे 7:30 बिकॉज जल्दी निकलना है जिम, जल्दी आना है वापस बिकॉज तरावी भी है। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ जल्दी जल्दी जिम करने, ठीक है। तो आज का जो जिम का वर्कआउट है वो हो गया है, तो फिलहाल मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ बिकॉज बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, तो तरावी भी पढ़नी है, ठीक है। तो चलते हैं वापस घर, और यहाँ पर मैं गिरने वाला था। गाइस तो तरावी पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने खाना वाना खा लिया था, तो अभी मैं चढ़ा हूँ अपने रूम में। तो फिलहाल मैं कर रहा था वीडियो को एडिट, तो मैंने सोचा कि अब कर दे इस वीडियो को यहीं पे एंड। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। I should fuck her in the best.